मेरा नाम अमर सिंह बुलानी है, मेडिकल स्टोर है। पहले पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं आप ये एक ही पूछ सकता हूँ या और भी पूछ सकता हूँ? इंशाल्लाह अगर आप पहला एक करें, फिर कोई और एक, फिर इंशाल्लाह आपकी बारी इंशाल्लाह। क्या खुदा को देखा जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या पैदा करने वाले को देखा जा सकता है? अगर आपने श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ा, तो श्वेता श्वेतारा उपनिषद आप जानते ही हैं, माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं। उपनिषद जो है वेद शास्त्र की इंटरप्रिटेशन है। श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में बताया गया है कि कोई भी आंख उसको नहीं देख सकती। और ऐसा ही सूर्य अनाम सूर्य नंबर 6 की आयत नंबर 103 में कहा गया है, ला तुद्रे कुल अबसार, कोई विजन उसको देख नहीं सकती। इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखने का यह बताया गया है कि जब मर जाएंगे और जब डे ऑफ जजमेंट पे उठाए जाएंगे, जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने कहा जब मैं हेवन में हेवन वाले लोगों को भिजाऊंगा तो उन्हें मैं पैराडाइज और उससे भी बड़ी चीज दूंगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कंपेनियंस ने पूछा, ओ प्रॉफिट, द हेवन इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट रिवार्ड, उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस दिन जन्नत में अल्लाह अपने चेहरे के सामने का नूर वाला लाइट वाला पर्दा हटाएगा, ताकि जो इंसान बगैर देखे उसे मानते थे, अब वहां राजी होकर उसे देखे और अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, आज मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाओ। मैं इन किताबों की मानू या अपने अनुभव की मानू? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्या मैं किताबों की मानू या अनुभव की। आप देखिए, आप खुद मेडिकल फील्ड में है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपने अनुभव से दवा देने जाएगा तो पेशेंट मर भी सकता है, लेकिन जो किताब से शिक्षा मिली उस पर देगा तो जान बचाएगा। किताब से अर्थ तो मैं अपने निकालूंगा। जी, आपने बहुत सही कहा, इसीलिए कुरान ने मुस्लिम्स को कहा है, जैसे मैं बता रहा था अपने लेक्चर में, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने कहा, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने आप सबके लिए प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में बेस्ट एग्जाम्पल की स्केल बना दी है। तो मुस्लिम्स को अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 में कहा, फाइन आमनु बेमिसली मा आमनतुम बिही फकद एतहदो, अगर ये पूरे इंसान ओ प्रॉफिट आपके और आपके साथियों की तरह इस्लाम पर चलते हैं तो फिर ये राइट पाथ पर है, अगर हट जाते हैं उस पाथ से तो ये लोग आपस में ग्रुप्स बनकर डिवाइड हो जाएंगे, हर कोई अपना इंटरप्रिटेशन बताएगा, लेकिन तब भी सही चीज तो बची रहेगी। मिसाल के तौर पर एक टीचर ने 20-25 बच्चों को लाइन डालना सिखा दिया, कई बच्चे गलत डालते हैं, लेकिन जिस बच्चे के पास स्केल है उसके पास लाइन सही डालने का नक्शा बच जाएगा। इसी तरह जो कोई प्रॉफिट मोहम्मद को रेप्लीकेट करेंगे, इमिटेट करेंगे, इंशाल्लाह वो लोग गलत पाथ पर नहीं जाएंगे। उनके वो पूरी चीजें जिस तरह कुरान प्रिजर्व्ड है, उस तरह उनकी भी चीजें प्रिजर्व्ड है, और हम अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स ये हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बताने में फेल हो चुके हैं एज अ होल, कि एक्सेप्ट कुरान किसी और धार्मिक किताब का ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो वर्ड्स है, वो प्रिजर्व नहीं है, तो ये स्केल का काम करता है। अगर इस एतबार से देखें तो मेरे अनुभव की अहमियत नहीं है, बल्कि प्रॉफिट और उनके कंपेनियंस की अहमियत है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आप परमिशन दे तो कैन आई टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एक एक जी, जी जी मैंने आपके पहुंच हुए जी, मैंने एक शेर सुना था, आदम को खुदा मत कहे, आदम खुदा नहीं जी, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं जी। मैंने पांव तो नूर के छुए थे जी, जी, जी। आपने ये सोचा मैंने आपके छुए? आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपकी बात के लिए नहीं, मैं जानता हूं बाज इग्नोरेंट मुस्लिम्स को जानता हूं, बाज इग्नोरेंट मुस्लिम्स हैं ये लोग। इसी शेर को कैसा कहते हैं, खवाली में भी है, पाकिस्तान के खवाल के, बा कसम वो खुदा नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोल रहा है, बा कसम वो खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं, बट बाई गॉड ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड। तो मैं एक ऐसे ही आदमी से बात कर रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं इसके प्लीज प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, मैं उसको समझाने बोला कि तू अपनी माँ को जाकर बोलेगा कि अम्मा ये बाजू वाले जो नेबर है ना, इनो कसम है, इनो अब्बा नहीं है, मगर खुदा की कसम अब्बा से अलग भी नहीं है। बोले तो एक खाली शेर पढ़ना चाहता हूं,
और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नहीं आप क्या वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से 38 तक किया कहा हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से बनाया। इस्लाम कहता है कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा, इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं झुक सकते सिवाय अल्लाह के। रीजन अल्लाह कहते हैं दुनिया में कौन क्या है सिवाय मेरे नहीं जानता, किसके दिल में क्या है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है एक आदमी अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा हो लेकिन हो बदमाश। जैसे इस मुल्क में बाज लोग अपने आप को इंडिया की आर्मी में ज्वाइन करके इस देश से गद्दारी करते हैं, तो इसी तरह कोई इस्लाम का लिबास पहनकर इस्लाम का दुश्मन हो सकता है। तो अल्लाह ने कहा मेरी नजर में सब बराबर है। इसीलिए देखिए आप 5 टाइम्स जब हम नमाज पढ़ते हैं सबको कहा गया शोल्डर टू शोल्डर ठहर जाओ। अगर मान लीजिए राजस्थान से एक रिक्शा खींचने वाला बैल चलाने वाला ये मक्के को गया और उसको नमाज में किंग अब्दुल्ला बाजू मिल गए सऊदी के, किंग अब्दुल्ला और उनकी पूरी आर्मी उस रिक्शे वाले को ऐसा पीछे, तो दूर की बात है 1 इंच हटाकर ये नहीं कह सकते ये किंग अब्दुल्ला है बाजू है, क्योंकि किंग ऑफ द किंग्स कहता है सब बराबर है, उस दिन का फैसला अलग। तो हम सब बराबर हैं, इसलिए मेरे सामने किसी के सामने सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है इंशाल्लाह। एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं जी, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं यहां पे, इस महात्मा के पीछे चलने की जरूरत है, इस महात्मा के पीछे जान लुटाने की जरूरत है, इस महात्मा के पीछे अपने तन मन धन की ताकत न्योछावर करने की जरूरत है। अरे हम नेताओं के पीछे चलते हैं, माशाल्लाह। मैं शुक्रिया भाई, मैं एक छोटी सी दुआ पढ़ना चाहता हूँ जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु पढ़ा करते थे। जब कोई तारीफ करते तो अबू बकर सिद्दीक दुआ करते अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़ना बिमा यकूलूना वग़फिर ली मा ला यालमून वजअलनी मिम्मा यज़ुन्नून। ओ अल्लाह सुभान व तआला डू नॉट होल्ड मी अकाउंटेबल ऑन डे ऑफ जजमेंट फॉर द प्रेज ही हैज़ प्रेज्ड मी, इफ आई डू नॉट बीफिट हिज प्रेजेस रेज मी टू द लेवल ऑफ हिज प्रेजेस एंड इफ आई बीफिट हिज प्रेजेस इंक्रीज मी मोर सो दैट आई बिकम मोर प्रेज़वर्दी। ऐ अल्लाह सुभान व तआला अगर मैं उनकी तारीफ के लिए जो उन्होंने जुमले कहे हैं उसके लिए मुझे क़यामत में हिसाब मत लीजिए, मेरे जो गैब में मैं गुनाह करता हूं उसके बारे में वो नहीं जानते, ही डजेंट नो द सिंस आई कमिट सिवाय आपके कोई नहीं जानते, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। और अगर मैं उनकी तारीफ पर बैठता हूं मुझे और आगे बढ़ा दीजिए, अगर मैं उनकी तारीफ पर नहीं बैठता तो उनके तारीफ के लायक बना दीजिए। आमीन। सर मेरा नाम